आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया गया है, इन गुणों में से कौन सा गुण क्रमवार नहीं लिखा गया है। पहला विकल्प दिया गया है स्कैंडियम, क्रोमियम, Sc3+ion, Cr3+ion, Fe3+ion, त्रिज्या। दूसरा स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीस, घनत्व। तीसरा Mn2+, Ni2+, CO2+, Fe2+, आयनिक त्रिज्या। चौथा FeO, CaO, MnO, CuO, क्षारीयता गुण। तो आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा गुण जो है वो हमारा क्रमवार नहीं लिखा गया है। क्रमवार दोस्तों हमारा कौन सा गुण नहीं लिखा गया, ये हमें क्या करना है दोस्तों, पता करना है। अब क्या होता है दोस्तों, क्रमवार की जब हम बात करते हैं दोस्तों, क्रमवार यानी क्रमबद्ध हमारा कौन सा नहीं लिखा गया है, तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे क्रोमियम की आयनिक त्रिज्या जो होती है, एक तो क्रोमियम के अंदर में जेड इफेक्टिव हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसकी वजह से इसकी स्कैंडियम से भी क्या हो जाती है दोस्तों, ज्यादा हो जाती है Sc3+ से, और देन Mn3+ की जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, Fe3+ से भी अधिक हमारी हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये वाला जो हमारे पास में क्रम दिया गया है वो हमारा पहला आयनिक त्रिज्या क्रम सही नहीं है, इसलिए हमारा पहला विकल्प जो दिया गया है वो क्या है, सही है। जबकि घनत्व का क्रम जो होता है वो बाएं से दाएं जाने पर घनत्व हमारा बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसके अंदर में मैग्नीज की निकल से और कोबाल्ट से और Fe2+ से अधिक होगी कम प्रभावी धारा के आवेश के कारण। इसके अंदर में क्षारीयता गुण जो होगा धात्विक गुण बढ़ने से हमारा क्षारीयता गुण भी होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प जो है वो सही विकल्प नहीं है। पहला विकल्प भी हमारा क्या है, सही विकल्प है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।